आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो दोस्तों, अगर फीचर फोन की बात करें इंडिया में और नोकिया का नाम ना लिया जाए दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता। नोकिया पहली कंपनी है जिसने इंडिया के एक एक घर तक अपनी पैक बनाई थी स्मार्टफोन को लेके। आज के जितने भी यूथ होंगे दोस्तों, उनमें 95% ऐसे होंगे जिन्होंने नोकिया के फीचर फोन्स पर स्नैक वाला गेम खेल के ही अपना बचपन बिताया होगा। लेकिन थोड़ा लड़खड़ाने के बाद नोकिया दोबारा से संभलने की कोशिश कर रहा है। स्मार्टफोन से लेके फीचर फोन लगातार मार्केट में एक से एक लेके आ रहा है। इसी कड़ी में एक और फीचर फोन इंडिया में आने जा रहा है, नोकिया 5310। क्या है फोन, क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगे, क्या प्राइस रहेंगे, कब आ रहा है, पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और अब दिनों शुक्र चुके हैं टेक्निकल चार्जर। हम बात कर रहे हैं नोकिया के 5310 फीचर फोन के बारे में। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह फोन 16 जून को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। वैसे दोस्तों, इसका नाम आपको सुना सुना लग सकता है, नोकिया 5310 2007 में नोकिया का पॉपुलर फीचर फोन था जो कि एक्सप्रेस म्यूजिक के नाम से लॉन्च किया गया था। अब इसी को रिवाइज करके दोबारा से इंडिया में इस फोन को लॉन्च कर रही है कंपनी। बताते हैं कि करके इसमें हमें क्या मिलने वाला है। इस बार खास 2.4 इंच की VGA डिस्प्ले मिल रही है जिसमें कि 167 PPI डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये TFT डिस्प्ले होगी, ये ध्यान रखिएगा। कीपैड की बात करें तो इसमें हमें अल्फा न्यूमेरिकल कीपैड मिलने वाला है। उसके अलावा आपको म्यूजिक प्ले करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए साइड में रेड कलर की डेडिकेटेड बटन्स मिलेंगे जहां से कि आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकेंगे। साथ में 8 MB की मिलेगी रैम और मिलेगा 16 MB का इंटरनल स्टोरेज जिसको कि आप 32 GB तक माइक्रो SD कार्ड की मदद से आगे बढ़ा सकेंगे। आते हैं प्रोसेसर पे, तो इस फोन में हमें MediaTek का MT6260A प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम OS Series 30+ इसमें यूज किया है कंपनी ने। अगर कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ हमें मिलेगा सिंगल कैमरा फ्लैश लाइट के साथ में जो कि आपको VGA कैमरा होगा 0.3 मेगापिक्सल का। उसके अलावा 3.5 mm का ऑडियो जैक और साथ में ब्लूटूथ 3.9 वर्जन हमें इसमें कनेक्टिविटी के लिए मिलेगा। बैटरी इसमें 1200 mAh की कंपनी ने यूज की है जो कि रिमूवल होगी। उसके अलावा अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 30 दिन तक का हमें स्टैंड बाय बैटरी बैकअप मिल सकता है। उसके अलावा इसके प्राइस की बात कर लें तो दोस्तों, ये हमें 3400 रुपए के आसपास की रेंज में फोन देखने को मिलेगा मार्केट में। तो दोस्तों बस इंतजार कीजिए 16 जून का। अगर आपको भी चाहिए एक फीचर फोन नोकिया का तो इसकी तरफ आप देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। और भी ढेर सारी टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.technicalcharger.in को विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं कर घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तब तक हालांकि जुड़ी थी मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।